पर सुख जाते थे, प्रजा का शोषण करने लग जाते थे, कई तरीके के टैक्स और उनको परेशान करना, उनके अधिकार छीन लेना, कई सारे कार्य करते थे। इसलिए जो है राजा भी ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई शासक को जो जन्म के आधार पर राजा बने, शासक बने। इसके अलावा ये सरकार तो चाहते थे परंतु व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की, ये कहते थे कि सरकार तो होनी चाहिए पर केवल इसलिए कि सब जो जनता को अधिकार दिए हैं उनकी ये सही तरीके से रक्षा करे। इसके लिए इसके अलावा सरकार को किसी के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं देना चाहिए, यानी कोई भी सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरे व्यक्तियों को अधिकार छीन ले, ठीक है, यानी धनी वर्ग को अधिक अधिकार दे दिए, निर्धन को बिल्कुल अधिकार ही नहीं, थोड़ी सी गलती करने पर जेल में डाल देना, मौत की सजा दे देना, आदि आदि जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है ये चाहते थे कि शासक अफसरों का प्रभाव दूर हो और जो सुप्रशिक्षित न्यायालय के कानून के अनुसार आगे, ये चाहते थे जैसे जो आज के समय में जिस तरीके की व्यवस्था है कि जो न्यायालय है संविधान बना रखा है और न्यायालय संविधान की रक्षा कौन करता है, न्यायालय यानी कानून की रक्षा कौन करता है, न्यायालय, तभी तो अपन कहते हैं कि ये कानून नहीं है, ये कानून आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए उसको अपन ने कानून का रूप दिया और उसकी रक्षा कौन करता है, न्यायालय, यानी सजा देने का काम कौन करता है, न्यायालय, यानी जो संविधान के अनुसार नियम बना दिया गया, जो कानून का रूप ले लिया, अब उसके अनुसार काम नहीं करोगे तो आपको सजा मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है न्यायालय के अनुसार उनको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो सरकार हो वो न्यायालय के कानून के अनुसार काम करे और अपनी मन मर्जी भी करे और उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए, जो न्यायाधीश जैसे आज के समय आपने देखते हो वकील वगैरह होते हैं, जज वगैरह होते हैं, पढ़ाई करके प्रशिक्षण लेके उसके बाद में वो एग्जाम देकर वकील बनते हैं, तो उस तरीके से चाहते थे कि उनको भी प्रशिक्षण देना चाहिए, पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद में उनको जो है न्यायालय के अंदर पद देना चाहिए और उसके बाद में कानून के अनुसार वो कार्य करें। पर ये लोकतंत्रवादी नहीं, लोकतंत्रवादी का मतलब क्या होता, जनता जो मिलकर अपनी सरकार को चुनती है, ये ऐसे सरकार के पक्ष में नहीं थे, ये स्वार्थ में वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। जैसे भी वर्तमान के अंदर जो भी वयस्क नागरिक होता है, जैसे अपने अभी वर्तमान में 18 साल का नागरिक वयस्क कहलाता है, वहां पर उस समय 21 वर्ष का जो नागरिक होता था वो वयस्क कहलाता था और ये भी चाहते थे कि भाई वयस्क मताधिकार यानी सभी अमीर गरीब सभी लोग आकर वोट करें और सरकार को चुने, ऐसे सरकार के लिए पक्ष में नहीं थे। ये केवल संपत्ति वाले यानी धनी वर्ग के लोग होते थे उन्हीं को ये अधिकार देना चाहिए, इसके पक्ष में थे। तो कई बार भी आपको बच्चों ऐसा लग रहा होगा ये जो उदारवादी थे ये धनी वर्ग के होंगे तभी अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि सारे अधिकार अमीरों को, गरीबों को कोई अधिकार नहीं हो, और ये कहते थे भाई अमीरों के पास दिमाग ज्यादा होता है, संपत्ति होती है, वो ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से शासन कर सकते हैं, इसलिए ऐसी इन्होंने बातें की। अब अपन एक नए विचार की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे रेडी जो है, तो रेडी जो थे इनकी सोच उदारवादी से बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल विपरीत, जो उदारवादी सोचते थे उसके उल्टा उदारवादी रेडी वाले सोचते थे, तो ये इनके एकदम विपरीत थे और ये देश की आबादी के बहुमत के आधार पर सरकार चाहते थे। जैसे वर्तमान के अंदर जिस देश की जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उसके अनुपात में वहां की सरकार चुनी जाती है, उतने सदस्य होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य अपने राजस्थान में 200 है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी जो है जितनी जनसंख्या उसकी आबादी में सरकार को चुनना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग महिला मताधिकार के पक्ष में थे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि भाई महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। इसके अलावा जमींदार उद्योगपतियों को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, जो जमींदार है उद्योगपति है इनको
संपत्ति का कैपिटल हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे आज वर्तमान के अंदर बच्चों अपन के जो जमीन होती है, आपके जो ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा मकान है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा खेत है, आप कैसे ले सकते हो? कह दो उसके कानूनी कागज बने हुए, उसमें आपके दादाजी के पिताजी के सबके नाम लिखे हुए और आपको अधिकार दिया गया कि भाई इतनी इतनी जमीन के मालिक आप हो, अब चाहे आप इसको रखो चाहे बेचो आपके ऊपर है। तो इस तरीके का अधिकार निजी संपत्ति का अधिकार कहलाता है जो उस समय चालू हो गया था। ये अधिकार सबके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अमीर वर्ग के लोगों की जमीन हो सारी और गरीब बेचारा उस पर सिर्फ काम करता रहे। तो ये एक व्यक्ति के पास कैमरे नहीं चाहते थे, ये कहते थे समान रूप से बटी हुई हो, गरीब अमीर सबके पास थोड़ी किसी के पास अधिक जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा ये अब अपन बात करेंगे तीसरे नंबर पे रूढ़िवादी क्या सोचते थे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रूढ़िवादी जो थे ये उदारवादी और रेडिकल दोनों के विरोधी थे। जैसे इन्होंने उदारवादी मैंने बात की रेडिकल वालों ने की उसके बिल्कुल ये विरोधी थे। ये कहते थे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसा कि उदारवादी और रेडिकल वाले कह रहे हैं। परंतु धीरे धीरे फ्रांसिस की क्रांति के बाद में जो है इनके विचारों में बदलाव आने लगे और ये कहने लगे भाई बदलाव तो होना चाहिए पर धीरे धीरे होना चाहिए। इसके अलावा जो है अतीत में जो घटनाएं घटी है जो लोग थे उनको सम्मान भी देना चाहिए और उसके साथ साथ बदलाव करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको खत्म नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से, धीरे धीरे उनमें बदलाव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके के विचार किसने दिए? रूढ़िवादियों ने। तो बच्चों अपन ने आज के वीडियो के अंदर जो चैप्टर 2 है उसमें अपन ने सामाजिक परिवर्तन का युग पढ़ा कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन आया, किस तरीके के विचार धारा के लोग हुए और राजा रामबाई और डेरी जी फ्रांस की क्रांति का महत्व समझाया कि कितनी महत्वपूर्ण थी, कितने लोग मरे हैं, कितनी मुश्किल से उनके अंदर ये ताकत आई है, विचार आए और ये लड़े हैं अपने अधिकारों के लिए। तो इसको बहुत ज्यादा अपना सम्मान दिया गया और उसके बाद में जो ये अंतिम विचार नामों के लोग आए जिसमें मैंने आपको समाजवादी उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी इन तीनों के बारे में बताया जो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के एकदम विपरीत थे, अलग विचारों वाले थे। फिर भी आपने देखा होगा इनमें कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां थी, इनमें कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां थी, इनमें कुछ कमियां थी तो अच्छाइयां थी। तो अपन ये सब देखा और अब आज से अपन जो रूस के अंदर कैसे क्रांति थी उसका अध्ययन करेंगे। अब तक अपने पहले पार्ट में हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी, इस पार्ट में अपन रूस की क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं उसको अपनी कॉपी में उतार लेना, उसके बाद में ईयरफोन लगा के पूरी मेरी